पूरे भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन संचार बंदी चालू है। इसके चलते रास्ते में अनावश्यक टू व्हीलर गाड़ियां शहर में घूमती दिख रही है। पूरे भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन व संचार बंदी लागू है। बावजूद इसके रास्ते में अनावश्यक टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां शहर में घूमती देखी जा रही है। पुलिस द्वारा शहर के आम्बेडकर चौक में प्रत्येक टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही गाड़ी के दस्तावेज और लाइसेंस की जांच की जा रही है, उसके बाद ही इन्हें छोड़ा जा रहा है। किंतु गाड़ी के आवश्यक कागज पत्र और लाइसेंस दिखाते वक्त, जांच कराते वक्त वाहन चालकों में हड़बड़ी दिखी। यह कार्रवाई DYSP भीवराव टेड़े इनके मार्गदर्शन में हिंगन घाट पुलिस द्वारा की गई। सभी को आवश्यक हो तभी घर से निकलने की सूचना देने के बाद भी लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, तब पुलिस द्वारा यहां सख्ती दिखाई गई। 4-5 दिन से देख रहे हैं, लोग बिना काम से बिना वजह से घूम रहे हैं। दुकान चले, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मेडिसिन लेके जा रहे हैं। हमने उनको मना नहीं किया है कि हम इतना पूछ रहे हैं कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी गाड़ी भी जब्त कर रहे हैं। हमारी पुलिस विभाग से आपके माध्यम से लोगों को विनती है कि जो भी जिसको बाहर जाने का है अचानक काम के लिए, तो वो अपने साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखे, गाड़ी के पेपर्स रखे और हेलमेट पहने। अगर नहीं होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ी जब्त की जाएगी। हिंगन घाट से NBC न्यूज़ के लिए रवि येनोरकर की रिपोर्ट।